नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन में जो 301 तारीख को आपका पेपर हुआ था, लोअर सब अर्डिनेट 2019 का दोस्तों, वो एग्ज़ाम तो संपन्न हो चुका है, संपन्न पूरी तरह कराया जा चुका है, जो भर्ती बोर्ड द्वारा अधीन सेवा चयन आयोग द्वारा बोला जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सेंटरों पे खामियां हुई है, जिसे पर्चा लीक हुआ है, लेकिन उसके बाद को इग्नोर करते हुए इन्होंने कल एक ऑफिशियली अपडेट दे दिया है कि हम 4 तारीख को ये लोग आपका आंसर की अवेलेबल करा रहे हैं। मतलब आंसर किया है कि मतलब चांस कम है कि आपका कोई पेपर ऐसा मैटर लीक हुआ, मतलब लेकिन जो भी पेपर लीक हुआ था चाहे नहीं हुआ था, जो भी हुआ था उस मैटर पे अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई ना होने वाली है। अब उसे छोड़िए आप लोग दोस्तों, यही कि 4 तारीख आपका कट ऑफ सॉरी दोस्तों, 4 तारीख आपका आंसर किया अवेलेबल किया जाएगा। और आंसर की बजाय आपको कुछ ऑब्जेक्शन करना, ऑब्जेक्शन के बाद दोस्तों हो सके तो आपका उसका सेकेंड आंसर की जो फाइनल आंसर की अवेलेबल कीजिए, उसके बाद आपका रिजल्ट दिया जाएगा। रिजल्ट के बारे में दोस्तों हम बात करते हैं। रिजल्ट जो दोस्तों है आपका जो है कि नवंबर लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट वीक में आने की उम्मीद है, इससे पहले रिजल्ट दोस्तों आपका नहीं आएगा। हाँ ये है कि ये रिजल्ट हो सकता है बहुत जल्दी दिया जाएगा, इसलिए कि इसमें लंबी चरण प्रक्रिया है। इसमें मेंस एग्जाम होगा, उसके बाद भी स्टेप है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काफ़ी लंबा चलने वाला है। लेकिन दोस्तों आप 100% मांग चले कि आपका रिजल्ट नवंबर में आ जाएगा, नवंबर लास्ट वीक में जाएगा, थर्ड या फोर्थ वीक में जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाना, कि दिसंबर फर्स्ट वीक में रिजल्ट आपका आ जाएगा। दोस्तों भारी संख्या में लोगों ने इस भर्ती में आवेदन किया था, कम से कम 11 लाख के समथिंग लोगों ने आवेदन किया था। लेकिन बस अच्छी न्यूज़ यही है कि कम से कम 50% लोगों ने इसमें एग्ज़ाम देने ही नहीं गए, मतलब 5.5 लाख के करीब लड़कों ने आवेदन किया, मतलब पेपर देने गए थे, जो प्रेजेंट हुए थे, उसके बाद लोग अब्सेंट हो गए हैं, 5-6 लाख करीब अब्सेंट हुए हैं, तो ऑटोमेटिक अब कंपटीशन हाफ हो गया, कंपटीशन हाफ हो गया। सबसे बड़ी बात है कि आयोग द्वारा यह भी बोला जा रहा है कि 15 से लेकर 20 गुना तक लड़के, आप कितने लड़के, मतलब आपका अगला स्टेप आता है कि कितने लड़के आपको सेकेंड में दे बुलाए जाएंगे, मतलब मेंस के लिए बुलाए जाएंगे। तो मेंस में दोस्तों साफ साफ बोर्ड ने बताया है कि 15 से 20 गुना बुलाएंगे, यदि ज़रूरत पड़े तो उससे ज़्यादा ही बुलाया जा सकता है। आप 20 गुना ही मांगे चलिए, यदि आप 20 गुना मांगे चलिए तब भी आपका कंपटीशन देख सकते हैं कि काफ़ी कम हो गया, 50% कंपटीशन था। हम आपको सीधे सीधे चलते हैं डेस्कटॉप साइट पर, वहाँ पर बताते हैं कि कंपटीशन आपका अब कितना रह गया। चलते हैं दोस्तों, दोस्तों यहाँ आते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे 11 लाख लोगों ने आवेदन किया था, अब आवेदन करने के बाद आपका कंपटीशन कितना रह चुका है, जल्दी जल्दी कंपटीशन के बारे में आते हैं। मान लीजिए आपके 5 लाख के समथिंग लोगों ने एग्ज़ाम में अप्रेस 5 क्या 5.5 लाख के समथिंग हुए हैं, 5 लाख हुए हैं, आपके 600 साढ़े 600 करीब समथिंग सीट है, लेकिन आप उसे दोस्तों 650 सीट है, यदि आप 650 सीट मान लीजिए, 672 के समथिंग सीट है, यदि उसे 20 से गुणा करेंगे, 20 गुना लड़के बुलाने हैं, 20 गुना आप 13,440 हो गए, 13,440 स्टार सेकेंड मेंस के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक, ये टोटल टोटल आपके लड़के अपीयर कितना हुए थे, 5 लाख के करीब, 5 लाख। यदि 5 लाख को 613,000 से डिवाइड करेंगे, आपको दोस्तों पर सीट 37 लड़कों से कंपटीशन करना है। ये बहुत मिनिमम कंपटीशन है दोस्तों, इतने कंपटीशन आप क्वालिफाई कर सकते हैं। लेवल आप एग्ज़ाम में कोई हार्ड नहीं था, पेपर बहुत हार्ड नहीं था, बहुत मिनिमम पेपर बनाया गया था, बहुत बढ़िया पेपर बनाया गया था। आपको दोस्तों मेंस के जाने के लिए 37 लड़कों से 38 लोगों से कंपटीशन करना है, इसके बाद मेंस में क्वालिफाई कर जाएंगे। इससे ज़्यादा कंपटीशन, मेंस आपका एग्ज़ाम दिसंबर लास्ट या जनवरी की फर्स्ट वीक में होने की पूरी उम्मीद है, जो ऑफिशियली बताया जा रहा है। हम इससे रिलेटेड आपको सारी जानकारी देते रहेंगे, कब एग्जाम हो रहा है, क्या हो रहा है। दोस्तों आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलिए, जितना हो सके न्यूज़ को शेयर कीजिए, क्योंकि ये न्यूज़ आपको सही और सटीक दी जा रही है। चलते दोस्तों ऑफिशियल पे, अब दोस्तों आते हैं दोस्तों सीधे कट ऑफ की तरफ। कट ऑफ दोस्तों आते हैं, जो भी कट ऑफ दोस्तों बताया जा रहा है, ये नंबर आप क्वेश्चन को देख के बताया जा रहा है, ये आपका मतलब आपका क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो आप बेफिक्र रहिए, आप मेंस की तैयारी करना अभी शुरू कर दीजिए, इसलिए कि बड़े पोस्ट हैं, इसमें काफ़ी अच्छे पोस्ट है, कंपटीशन भी काफ़ी है, तो तैयारी तो पहले से चाहिए। ये नहीं कि एग्जाम के जब मेंस निकल आपका पेपर निकल जाए, क्वालिफाई कर जाए, तो आप मेंस की तैयारी कीजिए, फिर दिक्कत हो, इसलिए आपको मेंस में टाइम नहीं मिलने वाला है, बस 1 महीना मैक्सिमम टाइम मिलेगा। क्या कंडीशन रहेगा, आप तैयारी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसलिए अभी से लेके जाइए, इतने क्वेश्चन आने पे 100% आप श्योर हैं। नहीं तो आप जाके मेरा वीडियो का मैंने कट ऑफ डाला था, बस 1-2 नंबर आगे पीछे हुआ, तो वही कट ऑफ हुआ गया था, अभी तो जितना मैंने जितना भी कट ऑफ डाला सब सेम हुआ है। चलते दोस्तों कट ऑफ की तरफ,
दोस्तों ये आप फीमेल कट ऑफ है जो इसमें आप देख सकते हैं 150 क्वेश्चन थे जो आपको 300 नंबर का लिया गया था, 1/4 माइनस मार्किंग थी। तथा बहुत ज़्यादा लड़कों ने आवेदन किया था, सो मेनी कैंडिडेट अप्लाई इन एग्जाम अपीयर, 50% अपीयरेंस हुआ था इसमें। और जो कट ऑफ बनाया जा रहा है आपको, आपको क्वेश्चन बेस से बनाया जा रहा है, आराम से देखिए इतना नंबर आ रहा है। ये फीमेल का है दोस्तों, है फीमेल में जनरल में 84 से 88 क्वेश्चन, फीमेल में 84 से 88 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप 100% क्वालिफाई करेंगे, कोई नहीं रोक सकता फीमेल से, कोई नहीं रोक सकता। एक दो नंबर दो क्वेश्चन देख, ये जो 2+ माइनस का एक क्वेश्चन दिखा रहे, नंबर नहीं दिखा रहे, क्वेश्चन है दोस्तों। ओबीसी, सॉरी दोस्तों, ओबीसी आपका बाई मिस्टेक हो गया है, 80 से 84 जगह 84 हो गया है, इसमें 80 से 84 क्वेश्चन हो गए आपके 100%। एससी में आपका 75 से 80 क्वेश्चन, एसटी में 72 से 74 क्वेश्चन, ये दोस्तों एक सर्विस में 50 से 60 क्वेश्चन के समथिंग रहने वाले हैं। महिलाओं की कट ऑफ है, ये कट ऑफ है दोस्तों, आप देख सकते हैं इससे ज़्यादा कट ऑफ कुछ नहीं जाने वाली है, इतने आने के बाद 100% आप सेफ हैं। दोस्तों चलते हैं मेल की तरफ। मेल दोस्तों, मेल में सेम कंडीशन है, सेम वही है, मेल में जो भी कट ऑफ है आपको बताया, जनरल का 94 से 98, 94 से 98 क्वेश्चन +3 क्वेश्चन -3 क्वेश्चन, आप 94 से 98 जिसका रहेगा वही हो जाएगा, +3 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना वैसे आप श्योर जाइए मैक्सिमम है आपका, ये क्वालिफाई करना पड़ेगा दोस्तों। अब हम सोच रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा बता रहा है, ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों, काफ़ी लड़के भी हैं, 600 सीट है, 6 लाख लोगों ने पेपर दिए हैं, 5.5 लाख के करीब, जान सकते हैं कंपटीशन एक सीट पर दोस्तों, कंपटीशन आपको दिखा रहे हैं लास्ट में चलते हैं, एक सीट पर कंपटीशन कितना है। ओबीसी दोस्तों 90 से 94 +3 -3, एससी के 86 से 90, एसटी 82 से 84, और एक सर्वे से 55 से 60। इतना दोस्तों जिसका नंबर आ रहा है जिस भी कैटेगरी में 100% प्री क्वालिफाई करेगा, मेंस की तैयारी करना अभी से शुरू कर दे, इससे ज़्यादा एक नंबर नहीं जाने वाला है, इन्हीं के बीच में आपका नंबर रहने वाला है, अराउंड 1-2 1-2 क्वेश्चन इधर हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, इसलिए मैंने +3 किया है। बस दोस्तों यही था, अब चलते दोस्तों चलते हैं हम आपको कंपटीशन दिखाते हैं कि परसेंट कितना कंपटीशन, ये तो आपको इतने लड़के क्वालिफाई करके आगे नेक्स्ट स्टेशन जाना पड़ेगा। अब 5 लाख को दोस्तों आप डिवाइड करेंगे 672 से, या 670 ले लीजिए आप, मोटा मोटी आप ले लीजिए, 746 लड़के कार्ड को आपको जाना है। आपका अभी कंपटीशन 746 लड़कों से, एक सीट पे 746 लड़के हैं समझ लीजिए। यदि हम यदि आपके 11 लड़के अपीयर थे, यदि 11 लड़के एग्जाम में अपीयर हुए थे तो आप कंपटीशन से 1600, एक सीट पे 1600 लड़के काटना था, लेकिन भाग्य बनाइए कि आपका प्री मेन जोन है, इसमें डबल पेपर होगा, इसलिए आपको 20 गुना बुलाने के बाद बस आपको 37 लड़कों से कंपटीशन करना है दोस्तों। यही दोस्तों था हमारा जो न्यूज़ था, सटीक वो सही न्यूज़ दिया जा रहा है। अब आगे आपकी मर्जी, जो भी है जितना हो सके आप दोस्तों, आपको प्लीज़ दोस्तों को जितनी न्यूज़ हो शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब दोस्तों पक्का कीजिए, और क्योंकि हम जो भी जानकारी देते सही वो सटीक देते हैं, कुछ लोगों से तो बुरा लगे लेकिन ये सच्चाई यही है, झूठ बोल के कट ऑफ बनाने से कोई मतलब नहीं कि हम 85 पे कट ऑफ बना दे, 80 पे नहीं दोस्तों, कंपटीशन को देखते हैं, लेवल ऑफ एग्जाम, लेवल ऑफ कंपटीशन, कितने लड़कों ने अप्लाई किया था, कितने लड़के अप्लाई हुए हैं मैटर ये करता है। और पेपर दोस्तों, पेपर काफ़ी ईजी था, ईजी टू मॉडरेट था, लेकिन हार्ड नहीं बोल सकते, इससे लड़कों ने काफ़ी अच्छे अच्छे अटैम्प्ट करके आए हैं दोस्तों। आगे दोस्तों आपकी मर्जी। हाँ दोस्तों एक न्यूज आपको भी दिखा देते हैं जो अभी आज के न्यूज़पेपर माध्यम से आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हैं कि अधीन सेवा चयन में 2.5 लाख 2,59,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, अधीन सेवा चयन द्वारा आयोजित द्विदिवसीय समय परीक्षा में संपन्न शांतिपूर्ण संपन्न संपन्न कराई गई है। 2 दिवसीय में 14 तारीख 14 जिले में 440 परीक्षा केंद्रों पर 2.5 लाख 2,59,000 के समथिंग 2,59,000 तथा 2,999 शामिल हुए थे। हालांकि अंतिम दिन कुल 5,51,686 अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होना था, लेकिन परीक्षार्थी का 47% हुआ, टोटल आप ओवरऑल देख सकते हैं 50% है दोस्तों, पोस्ट इसमें देख सकते हैं विपिन इस जो भी है परीक्षा नियंत्रक ने बयान दिया जो 100% सही, इसमें भी कोई झूठ नहीं है। आगे देख सकते हैं जो इसे पोस्ट है, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, सप्लाई इंस्पेक्टर, चकमंदी जो भी है, काफ़ी ज़बरदस्त पोस्ट है दोस्तों, कपड़े से तो हाई होना ही है दोस्तों। बस यही न्यूज है, बस जो भी न्यूज़ था हमने आपको दे दिया दोस्तों, अब आगे आप तैयारी करते रहिए दोस्तों। जय हिंद, प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करना भूलें, थैंक यू दोस्तों।